कृष्ण चरित्र तो भागवत कथा का नाम ही है, कृष्ण की लीला है, लेकिन इसमें ध्रुव महाराज और शिव चरित्र दोनों अनिवार्य है। इसलिए आज ध्रुव महाराज की पावन कथा होगी। अयोध्या के राजा जिनका नाम था मनु महाराज, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, सबसे पहले चार बेटा प्रकट किए। प्रथम रचो सनका दिवदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। ये चारों भगवान का भजन करने चले गए, इसलिए सृष्टि बढ़ी नहीं। जब भगवान का भजन करने चले गए तो ब्रह्मा जी पर और दबाव पड़ा कि भाई तुम सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी बेचारे सोच रहे, हम तो बढ़ाते हैं और जिसको हम बढ़ाते हैं वह भजन ही करे चले जा, तो हम खा कर। तो ब्रह्मा जी ने 10 बेटा और प्रकट किए, नारद, पुलह, पुलस्त, कुरसवा, अंगिरा, दक्ष, मारीच, अत्रि, यानी 10 लड़का और 4 पहले, 10 बाद में 14 लोग हो गए। और 14 के 14 भगवान का भजन करने चले तो ब्रह्मा जी बेचारे रोने लगे कि हम सृष्टि तो बढ़ाते हैं लेकिन सब भजन भगवान का करते हैं। सूर्यांश बाबू इनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में असीम मुद्राओं का दान, भगवान कल्याण करे, माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे रक्षा करे, मोलज्ञ पुरुष भगवान की। ब्रह्मा जी ने विचार किया, हम जिसको प्रकट करते हैं सब बाबे हो चले और जितने बाबा हो जाएंगे उनको दुनियादारी, इस मतलब नहीं, भजन करते करते जब तक हैं भजन करेंगे, उसके बाद वहीं से उनका उनकी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो रोने लगे, रोने से रुद्र पैदा हुए। 11 आंसू गिरे हैं ब्रह्मा जी के तो 11 रुद्र हुए। जब और दबाव पड़ा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब सृष्टि मनुजात सृष्टि नहीं। तो मनुजात मतलब जितने मन होता, कभी कभी टीवी में देखो ऐसे कर दिन गदोरिया हर 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 तलवार लेकर लड़का निकल पड़ेगा, यह मनुजात सृष्टि, ये नहीं चल पाए। तो ब्रह्मा ने अपने शरीर से 2 लोगों का निर्माण किया, सबसे पहले यही हुए और यही 2 बिरादरी थे, एक नारी एक पुरुष। स्वायंभो मनु अरु सतरूपा, जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। बाएं से नारी, दाहिने से पुरुष। हम आप मनु सतरूपा कहते हैं और मनु महाराज हमारे आपके ईश हैं, इष्ट देवता हैं सबसे पहले, तो हमारे वो ईश हैं, इसीलिए हम आपको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य मनु का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो मनु धन ईश यानी मनुष्य। मुसलमान भाई कहते हैं आदम और हब्बा, हम लोग कहते हैं मनु सतरूपा। हमारा आपका धर्म पुरातन है, सनातन धर्म है, जब से सृष्टि चली तब से हमारा सनातन धर्म चला। ये तो बाद मुस्लिम मुस्लिम ईसा पीसा अपना पर अलग कर दिया उससे, धीरे धीरे बहुत लोग धीरे धीरे अलग होने लगे। एक समय आएगा जैसे हमारे गौतम भाई लोग हैं, अब भीम बाबा को पूजा करते हैं और उसी से शादी विवाह सब उसी से होता, अब धीरे धीरे ये उनका एक धर्म अलग हो जाएगा। 200 साल बीतने दो वो अलग हो जाएगा। तो एक धर्म है सनातन धर्म, इसी से सारे धर्म शाखाएं फूट गए। ईसा मसीह वाले अलग किए और ये मुस्लिम भाई अलग किए, सिख लोग अलग किए, लेकिन धर्म हमारा एक है सनातन सबसे पहला, उसी से धीरे धीरे खाए। मनु सतरूपा अयोध्या के राजा बनाए गए।
तो मनु महाराज भजन करने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हम तुमको राज्य दिलाने के लिए पैदा किए हैं। मनु महाराज ने कहा, राजपाठ के हम संकट में नहीं पड़ेंगे, हमका तो जीवन मिला मनुष्य का, भजन करो वैकुंठ जाओ। कहा नहीं, राज करना है। तो मनु महाराज राज से इनकार कर दिए, भजन के आगे कुछ नहीं अच्छा। तो इनको लालच दिखाया गया, लालच में आदमी सब काम करता है, लेकिन इनको ऐसा वैसा लालच नहीं, इनको भक्ति का लालच ये दिया गया कि तुम अयोध्या के राजा बनो और तुम्हारे वंश में भगवान का अवतार होगा। अरे मनु महाराज सोचें तो धन्य हो जा भाई, हमारे वंश में भगवान का अवतार हो जाएगा। तो अगर कुछ हमसे गलतियां भी हो जाएंगी तो जो भगवान अवतार वाले हैं सब माफ। तो मनु महाराज ने कहा, ठीक है, राज तो करेंगे लेकिन कोई उपरोहित मिले, कोई उपरोहित मिले, बिना उपरोहित के राज नहीं चल पाएगा। अब उपरोहिती का काम बड़ा कठिन होता है, उपरोहिती करना आसान नहीं है। 10 कुत्तों के बराबर एक ठग, 10 ठगन के बराबर एक कलवार, 10 कलवार के बराबर एक गणिका वैश्यन, और 10 वैश्यन के बराबर एक राजा, और 10 राजन के बराबर एक उपरोहित। तो वशिष्ठ जी से कहा गया, भाई तुम चलो उपरोहिती करो। वशिष्ठ जी ने कहा, हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं, चलो, जिनके तुम कुल गुरु बनकर जाओगे इन्हीं के वंश में भगवान का अवतार होगा। अरे वशिष्ठ जी सोचे तो हम भगवान के कुल गुरु हो जाएंगे, इससे बड़ी भाग्य क्या है। इसलिए तो मनु महाराज अयोध्या में राज किए, और अयोध्या में राज करते करते मनु महाराज को काफी समय बीत गया। इनके 2 बेटा हुए, एक का नाम उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और परसूति। राज करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन विचार किया, हो इन विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। ये दुख की बात है कि जन्म जा रहा और भजन नहीं कर पाया, लेकिन आदमी इसके लिए कोई दुखी नहीं। कोई तो दुखी है प्लाट नहीं बना, कोई दुखी है पोता नहीं भय, कोई दुखी है नौकरी नहीं मिली, लेकिन दुख की बात तो यह है कि धीरे धीरे हमारा तुम्हार शरीर जा रहा और भजन नहीं कर पाए। इसलिए मनु महाराज एक दिन बैठे सोच रहे हैं कि हो न विषय विराग, भजन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। तब अपने बेटा को बुलाया कि अब तुम राज करो बेटा और हम भगवान का भजन करने जाएं। बेटा ने जब इनकार कर दिया तो राजा, बरबस राज सुत ही नप दीना, बरबस राज सुत ही नप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती राजा बनाया अपने बेटा को। वारे बेटा, पहले के धन्य बेटा हूं। आजकल के हर लड़का सोचता था, पापा हमका मालिक बना दे, ना मालिक बनावे तो कुछ बेचहे पठाई दिए। मनु महाराज अपने बेटा को राज दे रहे हैं तो बेटा कहता, हम राजपाठ क्या करेंगे, तो जबरदस्ती राजा बनाया, तो तुमको बनना है, मैं भजन करने जाऊंगा। जब जबरदस्ती राजा बना दिया, बरबस राज यानी जबरदस्ती, और नारी समेत गवन बन कीना,
भजन करने जाना है, यज्ञ हवन में बैठना है, कहीं तीर्थ यात्रा पे है, अगर देवी जी हैं तो साथ में रहना चाहिए, साथ में एक काम होना चाहिए। माना नहीं है तब तो कोई अलग बात है, भगवान के सीता उत्तर समय जब नहीं थी और यज्ञ किया गया तो बिना नारी यज्ञ नहीं संपन्न, तो सोने की सीता बना पास में बैठा था। लेकिन भाई वो भगवान है, अब उस सोने को बनाए ले भैया, हम तुम सोने के जंजीर तो पहन नहीं पाए थे, तो सोने के भाई है ना, वो तो समझ उनकी लौनिया कोई नहीं, लेकिन अगर है देवी तो साथ में होना चाहिए। नारी समेत गमन बन के ना, नारी के सहित राजा गए हैं भगवान का भजन करने, और गए कहा नैमिष, क्योंकि सतयुग की तपोभूमि नैमिषारण है और त्रेता की तपोभूमि पुष्कर धाम है, द्वापर की तपोभूमि है कुरुक्षेत्र, कलयुग की तपोभूमि है गंगा, कलयुग में सबसे महान गंगा। तो नैमिष में जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठकर भगवान का भजन करते थे, इसीलिए नैमिष महान है। उसी नैमिष को आज धीरे धीरे इस महामाया के लोभ में फंस करके पंडा लोगों ने ऐसा बना दिया, मतलब हम तो नहीं गए कभी, लेकिन जो लोग जाते हैं तो लौट के आते तो बताते हैं बड़ा लूट घसोटी, पैसा दो तो प्रसाद चढ़ाइए नहीं प्रसाद न चढ़ाइए। अब सोचिए चक्र में स्नान कर रहे हैं आप, चक्र दर्शन की चीज है, ये भी बता दे, जो नैमिष में चक्र है, चक्र तीर्थ है, वो दर्शन किए जाते हैं उसके, वहां जाओ तो उसके दर्शन करो, उसका जल छिड़क लो, स्नान करना है तो गोमती में नहा, फल तो गोमती का मिलेगा, लेकिन लोग जानत नहीं तो चक्कर में चक्कर लगाओ थे, वो दर्शन करने की चीज है। और उसमें भी चक्कर लगाते समय अगर तनको चूक ही गयो तो चीज बत कहो खाई चले जाए, तो हाँ वही उसी में चक्कर लोग लगाते, वह हम चक्कर लगावा करें, वो दर्शन तीर्थ के दर्शन किए जाते हैं। खैर जिसकी जहां पर जैसी लगन है वैसा उसको फल मिलेगा, चाहे चंद्रिका मैया हो, चाहे ललिता मैया हो, गंगा मैया हो, जमुना मैया, सरस्वती मैया, काली मैया, धरती मैया, दुर्गा मैया, जितनी मैया, जिस जगह पर जाओगे वहां पर उसी स्थान के देवता के दर्शन होंगे। लेकिन भागवत कथा में आए गए हो 33 करोड़ देवतन के यहाँ पर दर्शन हो गए, जहां पर भगवान के नाम की चर्चा होती, भगवान के जन्म की चर्चा होती, वहां पर सभी तीर्थ आ जाते हैं। कृष्ण जन्म की श्रुति जहां गावे तीर्थ सकल तहां चलिया, सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। ये हास्य मऊ नहीं है, इस समय ये वृंदावन धाम है, क्योंकि हमारे कृष्ण की चर्चा हो रही है, ये वृंदावन धाम। और वृंदावन ऐसा धाम है, प्रयागराज में सभी तीर्थ जाते थे टैक्स देने, वृंदावन नहीं गया, प्रयागराज ने भगवान कन्हैया से कहा सब लोग आते हैं तो ये क्यों नहीं आया, भगवान ने कहा टैक्स तुम तीर्थों से ले आओ कि कोई कहे घर से ले लो, वृंदावन मेरा घर है, धाम माने घर, वो तो मेरा वृंदावन घर है। तो जहां पर कृष्ण रहते हैं, जहां पर कृष्ण की चर्चा होती है, वो वृंदावन धाम है। तो ये तुम्हारा गांव घर नहीं है, यहाँ पर वृंदावन धाम है। जितनी देर आप लोग बैठो ये समझ के बैठो कि हम कृष्ण में लीन है और वृंदावन धाम में बैठे, और खुद हम परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं और सुनाने वाला सुखदेव बनकर हमको कथा सुना रहा है, ये भाव होना चाहिए, फल मिलेगा। अब जब ये भाव नहीं होंगे तो फल नहीं मिलेगा। नैमिष में बैठकर भजन करने के लिए गए तो सबसे पहले गोमती के पास गए,
पहुंचो जाई धेनु मत तेरा हरस नहाने निर्मल नीरा। चक्रम कहो नहीं लिखा नहाए गोमती मन नहा के लिखा। जैसे अगरबत्ती हम आप कुछ लोग लगा दे थे अगरबत्ती कहो नहीं लिखा सब धूप लिखी है धूपम धूपम नोबेदम समर्पया धूप लगाना चाहिए सब जगह। अगरबत्ती जो अपन धर्म अलग कर लिए ना वो लगावा था मुस्लिम लोग हैं उनको लगाना चाहिए। हाँ नहीं तो अब से जब से चेत जाओ इसलिए अब आप लोग आज से ध्यान कर लो कि अगरबत्ती मतलब जो है नहीं लगाना धूप बत्ती लगाना। ठीक बढ़िया कोई तो धूप बत्ती लगाना चाहिए। बांस जो है वैज्ञानिक तत्व भी है इसमें ये सुलगता है तो इसमें जो वायु निकलती है धुआं वो हम आपको नुकसानदायक होती है इसलिए बांस कहीं पर जलाया नहीं जाता है। और इसको जलाने से पितृ दोष लगता है ये पितरों की महानता बढ़ाते हैं इसलिए पहले जब बेटे का जन्म होता था या बेटी का जन्म होता था तो नाल काटी जाती थी जो ना वो बांसन में ज्यादातर डाला जाता है इससे पितृ प्रसन्न रहते थे। हमारे पूर्वज परिवार की महानता बनाते थे बांस की तरह कल्लम कल्ला फूटत जाए और पांच होते इन पांचों में पितरों की महानता बढ़ती है मंडप में लगाते ना पांच बांस इसलिए तो एक तो बीच में श्रावण लगती चार बांस मंडप छाया जाता है और पांचों संसार के पितृ देवता बैठ करके यहाँ पर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो वर वधू कन्या विवाह संपन्न होता है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार कोना हो गए चारों कोनों के पितृ बांस में हो गए और केंद्र हमारा जहाँ पर ये श्रावण रखी तो पंच देवता पांच शरीर में हमारे तत्व हैं छित जल पावक गगन समीरा ये पंच देवता का प्रतीक है ये हमको सफलता का आशीर्वाद देते हैं इनकी इतनी महानता होती है। और कई जगह पर अलग अलग मत होते हैं बांस के लिए। एक भजन है काहे पियर तोरी पाती रे बसवा इसी पे नया काट करके ले जाते हैं अंतिम यात्रा में लगाते हैं लेकिन जलाया नहीं जा सकता ले जाया जा सकता है पितृ दोष लग जाएगा। बहुत सी लकड़ियां हैं उसमें ले जाया जा सकत लेकिन नहीं पितरों के पूर्वजों की महानता इसी में है इसलिए पितृ प्रसन्न रहे पितृ दोष ना लगे उसको लगा करके ले जाया जाता। खैर गोमती में स्नान लिखे हैं चक्र में नहीं लिखे पहुंचो जाए धेनु मत तीरा हरस नहाने निर्मल नीरा। स्नान किया फिर भगवान का भजन करने जा रहे तब तक जो महात्मा लोगों ने सुने भाई अयोध्या से राजा ही आए हैं तो हमारा भी फर्ज है उनके दर्शन करें सभी तीर्थों के दर्शन कराए जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए आदर सहित दर्शन करा दे घुमाते रहे फिर उसके बाद बैठ गए भजन किया करैया हार साक फल कंदा करैया हार साक फल कंदा करैया हार करैया हार
सारसाक फल कंदा सुमिरह ब्रह्म सुमिरह ब्रह्म सच्चिदानंदा। करैहार साक फल कंदा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म में ध्यान लगा, ब्रह्म वो है जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। ब्रह्म वो है जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, जैसे आदि गणेश दूसरे हैं, श्री गणेश दूसरे हैं, श्री माने लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी और विष्णु की पूजा होनी चाहिए, सभी देवताओं की पूजा उनकी देवियों के साथ होती है, तो फिर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी काहे नहीं पूजे? पूजे तो सब जगह जाते हैं, लेकिन खाली दीपावली में नहीं पूजे जाते। दीपावली में लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं गणेश भगवान। मानस यानी जिनको हमने जन्म न दिया हो, पार्वती जी से इन्होंने ले लिया था और कहा था हम अपने बेटा को अपने साथ पुजवाएंगे, इनका सम्मान इतना होगा मुझसे पहले सब जगह, और इनके साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा, इसीलिए श्री गणेश। कोई काम हो कि भैया श्री गणेश, किंतु श्री माने लक्ष्मी, नाम उनका जुड़ा है। और दूसरी बात, अगर लक्ष्मी जी की पूजा आपने किया, लक्ष्मी तुम्हारे घर में खूब आए गए, लेकिन तुमने गणेश की पूजा नहीं किया, तो उसको खर्चा कैसे करोगे? गणेश जी बुद्धि देते हैं, और अगर सदबुद्धि नहीं है तो बहुत जने तनके हैं करोड़ों रुपए की जमीन बेच के आप सब्जी ठेला लगाओ थे, इसका मतलब वो सदबुद्धि नहीं रहा उनके पास, वो पैसा सही यूज नहीं कर पाए। तो लक्ष्मी जी की पूजा करो साथ में गणेश जी की, भाई लक्ष्मी आएगी तो हमको श्री गणेश बुद्धि दीजिए कि उसको हम किस भाव से कहां पर लगाएं। और जब श्री गणेश की पूजा करेंगे तो श्री गणेश की दुई नारी है, रिद्धि और सिद्धि, तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, और जब रिद्धि सिद्धि आएगी तब तुमसे शुभ काम होगा। गणेश भगवान के दुई लड़का शुभ और लाभ, जब सिद्धि सिद्धि आएगी तो शुभ काम होगा, और जब शुभ काम हो जैसे जो शुभ काम हो रहा तब तुमका लाभ हो। अच्छा, ये बात हो गई लक्ष्मी गणेश की पूजन के लिए। तो विष्णु जी के साथ क्यों नहीं पूजा हुई? इसका कारण यह है, दीपावली पड़ती है चातुर्मास में, दीपावली चातुर्मास में, और चातुर्मास में भगवान शयन करत, जब वो शयन करत हैं तो उनका को जगावे, यागदा जगा दे ना दीवार ऐसे धनवा रखे सर, भगवान सोए रह रहे हैं, ब्रह्मा जी दीमक पैदा करें, कनी का धनवा दोरी काट दो तो धनवा सिद्ध हो जाए झमस, तो ये गिरी है लग जाग जे है दीवार का लाग, हम का है काटी, हम का कोनो देवतन में हिस्सा मिलत? तो ब्रह्मा जी कहन जाओ जब यज्ञ होई जहां और जो सामग्री डारत बिरियम बिथर जात वो तुम्हार हिस्सा हो जी, हमारे बिथरा बगने चाहिए ने दीवार होई, तब उस धनुष की चाप को काट दिया दीमक, धनुहा चढ़ा रहा है इतने जोर से तड़ाक से भवा कि भगवान विष्णु की खोपड़ी कट गई, खोपड़ी कट गई, हाहाकार मच गया, वो सर जाकर लौड़ा सागर में गिरा, और भगवान के लगाया गया घोड़े का मूर, तब से भगवान का अवतार हुआ हयग्रीव। हयग्रीव माने घोड़े का मूर, और यह इनकी सबकी लीला रहा कि ऐसा हो जाए तो है ग्रीव दानव एक रहा घोड़े के मुंह वाला, और का वरदान है तुम निरंतर का जब अवतार हो तब तुम मारे जी हो, इसलिए सोते में जल्दी किसी जगाना नहीं चाहिए। भगवान जागते कि दिन है जिस दिन गन्ना पूजे जा तो का जेठौन एकादश जेठौनी उस दिन जागते, वह दिन से लक्ष्मी भगवान की पूजा हो लगा। करई हार साक फल कंदा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म में ध्यान लगाए बैठे भजन कर रहे हैं। अब इधर राजा अयोध्या के उत्तान पाद है,
ये अवधपुरी के राजा थे घर में सुनी थी यस नारी है घर में सुनी थी यस नारी अवधपुरी के राजा थे घर में सुनी थी यस नारी है स्वामी की सेवा करती थी और पतिव्रता में अंगारी है सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक है, लेकिन यह थी कि महारानी के कोई संतान नहीं थी, ये दुख है। कोई कहता है नारी बांझ है, कभी बहनों किसी को कहना नहीं चाहे। प्राकृतिक देन अगर किसी के ऊपर है उसको कुछ मत कहो, किसी का पैर मोटा हो गया, किसी का कैसे क्या हो गया, किसी का कहीं सफेद हो गया, दाग हो गया, ये सब चीजें भगवान के दिन में हंसक न चाहे। भगवान कोई भी कर सके थे कुछ, पांच लड़का हो कहो एको न रह जाए, एको नहीं जी के कहो के दुचार हो जाए, तो सब प्रभु जी की कृपा है। महारानी रोने लगी कि महाराज कोई कहता है नारी बांझ है, कोई कहता है इसका पति निर्बल है। राजा ने कहा है तो संसार है, किसी की सुनी बातों पर ध्यान ही ना दो, इधर सुनो उधर निकाल दो, किसी चीज का मतलब न रखो। कल क्या होगा ये भगवान जाने, आज है उसको देखो, आज शाम को घर में जो भोजन बना है उसको पाओ, कल होगा आप भी भगवान की व्यवस्था करो। कल की टेंशन लेने वाले आदमी फर्जी पिस्तौल परेशानी तो रहते हैं। राजा समझाने लगे, महारानी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन महाराज इतने दिन ना संतान हुई या दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हो महारानी बांझ कहाती है, महारानी रो रही। राजा ने समझाया कितनों के महल अटारी हैं, कितनों के फूस की छानी ना, कितनों के लाख करोड़ों हैं, कितनों के कौड़ी का नीना, कितनों के दस बीस बेटा है कोई निर्वंशी कहलाता है, कितनों को देकर छीन लिया वह रोए रोए मर जाता है। ये तो भगवान कब किसके साथ में क्या हो जाए प्रभु की इच्छा है, जिस तरह भगवान रखे उस तरह से ठीक है। अब से दो तीन साल हो गए हमारे एक भतीजे एक्सीडेंट में चोट खा गया था, यही तो दुकान है एकदम यही पास में, जो रोड गई जगपाल खेड़ा वाली यही रोड पर है, बहुत दिन से है। संदीप नाम था उसका, बड़ा वाला है जो शैलेंद्र नाम है, बहुत बढ़िया सब, यही सब पूरा जो है आना जाना रहे सब ठीक रहे। 24 साल का था और ये दुकान बंद करके शाम को जा रहा, तो ये थोड़ा रुकी जाओ साथ हम चला जाए, उसने कहा थोड़ा काम है ले जाना सब, और ये किसान पथ का नहर पर बना है उसे माती माती से थोड़ा आगे, अपने आप पता नहीं कैसे गाड़ी फिसली, दो लोग थे एक जो है और लोग लड़का वो पीछे बैठा था वो बच गया, इनकी गाड़ी फिसल गई,
बीच में जो डिवाइडर बने होते उसी में ये सब जो है कार्यक्रम हमारा बेहटा में चल रहा था, वहां से आया जो लोहिया लेके वहां मालिक की इच्छा है भाई। तो कहने का मतलब है जितने में भगवान रखेगा उतने में रहना पड़ेगा, और वो सुख दे तब भी उसी की मर्जी समझ करके ठीक अच्छा कहो अरे मालिक ठीक है, और दुख दे रहा फिर भी भगवान को कहो कि भाई हाँ धन्यवाद ठीक है, क्योंकि जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगा, यही होना भी चाहिए। जो भगवान की रजा में रजा मंद है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, और ना भी रजा मंद रहोगे तो क्या करोगे भाई। प्राकृतिक की जो देन है वो तुमको दुख हो गया, अब तुम अगर भगवान से गुस्सा रही हो तो उनका काम बिगाड़ लिया, इसलिए खुश रहना ठीक है ना। राजा ने बहुत समझाया तो महारानी ने कहा स्वामी बात ये है कि मानो मेरी बात पिया ब्याह करो दूसरा, मानो मेरी बात पिया ब्याह करो दूसरा, जब तुम दूसरा ब्याह करोगे मेरी दूसरी बहन आएगी उसको भगवान की कृपा से बेटा मिलेगा तो तुम्हारा वंश चल जाएगा। दूसर नारी पिया घर में जब आवेगी हरि की कृपा बा को संतान मिल जाएगी, हरि की कृपा में संतान मिल जाएगी। हरि की कृपा में संतान मिल जावेगी, मिली संतान वंश बेली बढ़ी जावेगी। संतान मिल जाएगी, जो संतान मिल जाएगी तो वंश बेल बढ़ जाएगा। राजा ने कहा कहना तो बड़ा आसान है तुमने कह दिया, लेकिन दूसरी नारी का किस्सा आप जानती नहीं है। दूसरी नारी जब घर आएगी तो तुम्हारी उनमें ठनवन हो जाएगी, सौत का भाव जागेगा, लड़ाई दंगा मारपीट होना शुरू हो जाएगा। फुरनकी ने कहा नहीं एडजस्ट करना तो हमको है, हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। श्री राम सागर भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में पुष्प कल्याण के जीवन मंगल में। महाराज ने कहा वो आवेगी तुमको दासी बना देगी, खुद महारानी बन के हुक्म चलाएगी। तो परंकी कहला वो के कहे पहले हम दासी बन जाए तो वो का हम खुद महारानी बना दिया, हम अकाब का उनका महारानी क्या। राजा ने कहा खाना नहीं देगी तो परंकी कहला कोई बात नहीं मुझको भोजन ना देगी मैं जूठन कूठन खा लेंगी, भगवान उसे एक बेटा देगा तो अपनी गोद खिला लेंगी। केवल महानता देखो, राजा समझा रहे महारानी जिद कर रही दूसरा ब्याह करो बहन आएगी
उसको महारानी बनाऊंगी, मैं खुद दासी बन जाऊंगी। खाना पानी न दी तो जूठन कोठन खाए का हम अति कोनो तन काट डारब। चाहे 2000 वाली पहरो तबो शरीर तन ढका है और 200 वाली पहरो तबो तन ढका है। भूख मिटाना है, दाल रोटी खा लो तब भी भूख मिट जाएगी, और फरे दाल में हतनी वहां सब अल्लम गल्लम मिला दो तो वो बात तो वही है। मैं तुम पतला चावल खा लिया, हम मोट चावल खा लिया, खाना तो खाना ही है, जीवन तो किसी तरह से चलाना ही है भाई। अरे तुम भाई बढ़िया बेड वाला गद्दा हो तो का करे पर जा, हम अरे पैरा डाले को उजाड़ तो कटहक है और कटी सबका। जिसके घर रजाई है भैया उसका भी जाड़ा कटेगा, जिसके घर नहीं है उसका भी कटेगा। ठंडक इतनी हो रही, अरे हम आप तो इतना मार भीतर रहते हैं, ग्लोवर भी चलाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, वो जानवर बेचारे क्या करें जिनके ऊपर देखो जब सब जंगल में टहल रहे, उनको भी तो भगवान रक्षक है, कहीं ना कहीं से तो उनको भी बचाएगा। जिस प्रभु ने भेजा है वो कहीं से न कहीं से व्यवस्था करेगा। हमारे आपके यहाँ जो गाय भैंसी है कितना बढ़िया सब तानो बानो छाव टटिया लगाओ सब मेंटेन जो छोटा घूम रही है तो भगवान के सहारे, और हमारी तुम रहनी की है हुई हमारे आपसे अच्छी है वो। यहाँ तो तुम कहते हो हम 10 आदमी का परिवार चलाते हैं, लेकिन पर्वत के ऊपर बताओ खोद कर देखो 10 फुट गहरे में है जो मेढकी बैठे उसको कौन खाना दे रहा है? वही मालिक तो उसको भी पालन पोषण करा रहा है। तो कभी ये ना सोचो ये सब है प्रभु की कृपा से। राजा समझाते रहे, महारानी मानी नहीं कि तुम विवाह करो, जिद कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे पति का वंश डूब जाएगा, कोई संतान नहीं होगी तो हमारे पति का नाम कैसे चलेगा। और पत्नी आती है अपने पति का वंश बढ़ाने, और मैं ऐसी अभागन हो गई हूँ, मेरे तो वज्र हो गया, मेरी कोख में कंकड़ पत्थर पड़ गए हैं जो कि एक बेटा बेटी तुमको मैं ना दे सकी। बहुत समझाया राजा, महारानी मानी ने दूसरा ब्याह करो। ये कसुरुचि नाम की लड़की थी, दूसरे राजा की बिटिया जिसका नाम था सुरुचि, उसी से ब्याह तय हो गया। महारानी बड़े प्रसन्न भाव के साथ में अपने पति देव को दूल्हा बनाई। दूल्हा बना करके भाई पति को भेज दिया, वहां गए धूमधाम से विवाह कर लिया। विवाह करके महाराज वापिस आ रहे दुल्हन लिए, आज मैया रो रही, विदाई की बेला में सबके आंखों में आंसू आते हैं। माता समझाने लगी बिटिया जा, बेटी होती पराया धन, बेटी होती पराया धन, उसे पिया घर जाना है। के घर को चली, घर पिया का सजाना है।
कितना भी पिता अमीर हो, धन दौलत हो, लेकिन बेटी को तो दूसरे घर भेजना पड़ेगा। बेटी पराया धन है, समझा करके माताजी भेज दी। पूरन की बिचारी बड़ी प्रसन्न है कि बहन आएगी, भगवानों का एक लड़का दे दे, हम तो नहीं पति के नाम चला पाए, चलो दूसरी बहन आ जाएगी, भगवान उसको ही बेटा दे देगा, उसी से नाम चल जाएगा। पूरन की महानता देखो, डोली लेकर के कहार जब चले और दरवाजे पर अयोध्या में डोली आ गई, जब अयोध्या में डोली आ गई, पूरन की भाई गांव भर में महारानी जी माताओं से कहा चलो डोली पर छने जाना है, हमारे आपके यहाँ जो रीत रिवाज है उसी के अनुसार काम होना है। सब दो चार दस माताएं मैंने भाई डोली पर छने चली, बड़े खुशी भाव के साथ में गीत मंगल गाती बजाती वहां पर पहुंची। पूरन की बड़ी प्रसन्न है कि बहन आई है, नवा नवा बंगला छवाई बहु घर चली। और जहां पर डोली आई है एक बूढ़ी माता, उस डोली में देखा दुल्हन बड़ी सुंदर है, तो या बात कह देती दुल्हन बहनी बड़ी नीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके मुंह से निकलेगा उससे नीक है, जो गड़बड़ होगा जब कहें उससे नीक है तो या सोचे लागी का मतलब इके आक और है, नहीं कि जो यही है या सोचला इसके आग और है, इसलिए डोली के अंदर से गरज के बोली खबरदार कोई मेरी डोली को नहीं छुएगा, राजा को बुलाया जाए। जय मेहरुआ डोली पर छेगा कबर जा दुल्हन या की करकवाला लेकर आवा। अरे हाँ जब ही डोलन में बैठे है जब दशा करे है तो जो नीचे ही तो भगवान जाने मोहल्ला रही कि न रही, भगदर मच गए, कुछ लौटी जा रहे कुछ उधर से आ रहे, कहन का आवाज बहनी लौट जाओ, कहीं लौट का जाओ दुल्हन हम बुआ पर छव जाए। खैर राजा साहब आए, कहा क्या बात है? राजा साहब से बोली क्या बात नहीं है ये बताओ कि जब एक नारी तेरे घर में थी तो का भार झोंकने लाए हो, हम का भार झोंकने लाए हो। जब एक नारी तेरे घर में थी तो का भार झोंकने लाए हो, मेरे संग में शादी की ना क्यों नाही भेद बताए हो, क्यों नाही भेद। कहला जब एक नारी तुम्हारे घर में थी तो का भार झोंके खाते लाए। राजा साहब पूरन की को बुलाए, कहा ले या फत अपने मुड़े देखो, कहित रहा तुमसे तब तो एक लंडा हो जा, लंडा हो जा, लंडा हो जा, चक्कर बताओ। पूरन की आई बिचारी कहने लगी तुम हटो, हम बहनी द्वारे खैलर नाई करो, घर में चलो।
मैं तुमको महारानी बना दूं, मैं दासी बन जाऊंगी, तुम्हारा कार्य मैं करूंगी, पलंग में बिछाऊंगी, सेवा मैं करूंगी। नहीं कि कालक तोरे हाथ कर को पानी पी का पता तुझे हरू दे दे सोच है अपने। जिसके हृदय में जैसी भावना बन जाती सोच, वो निकलती नहीं। और हमेशा इसीलिए कहते हैं अच्छी चीजों को सोचना चाहिए। विकार जिसके अंदर हो गए सुधरेंगे नहीं। पुरनकी की केवल महानता है अगली नारी होते अगर, आजकल वाली नारी होती तो कहती तुम जाओ तुम्हारा ये मन कर खाट काट खटिया बांट लिया आधा हमारा हुआ है। और सही भी, लेकिन फिर भी बेचारी वह कहती हमका कुछ नहीं चाहिए, हमका कुछ नहीं चाहिए बहनी, तुम रहो, हम किसी तरह से जीवन गुजार लेंगे। कैसे रहोगी? नैकी ने कहा राजन इस पुरानी वाली को खेत में डाल दो, मड़ैया दूध की नांदे भर के वहां रख दो, एक लग्गा इसको पकड़ाओ, एक कौवा हराएगी, और अगर कौवा दूध में चोंच मारेगा तो खून निकाल लिया जाएगा इसके शरीर से। अगर यह शर्त मंजूर होए तो हम डोली के बाहर आइबे, नहीं तो फिर या तो इस नारी को अभी इस घर से तुम बेघर कर दो, या तो फिर मेरी डोली को मेरे नैहर में वापस कर दो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं खेत में रहूं तो मुझे वो भी मंजूर है। धन्य है नारी सुनी, खेत में रहने लगी, कौवा हराने लगी, वही नारी जो महारानी थी, अब तक महलों की रानी थी, अब बैठी काग उड़ा रही है, अब भगवान उसे बेटा दे देना बस विनती यही लगा रही है। पहले सोचो, जिस नारी ने घर से बेघर कर दिया और उसी के लिए एक बेटा मांग रही है, कितना बड़ा त्याग है। आजकल वाली मेहरुआ होती तो खेतों में बैठ के उनकी खातिर लड़का मांगती, कहते भगवान क्या कोरोना हो जाए जो नाई है। लेकिन उसके अंदर कितनी बड़ी महानता है जो उनकी खातिर लड़का मांग रही, जो उनका घर से निकला दे, बैठी भगवान से प्रार्थना कर। और इसीलिए मानस में लिखा है कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है परहित,
तुम्हारे द्वारा किसी का हित हो जाए। हमेशा भाई ये जरूर सोचते रहना कि भगवान सबका कल्याण हो हमारा, कभी भी किसी का बिगाड़ नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हो सके तो अच्छा ही करो। अब तक महलों की महारानी बैठी, उनकी महानता देख करके बहनी लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मी विचार करने लगी, ये देखिए हमारी बहन है भाई, नारी आप हैं, नारी लक्ष्मी जी है, देवता है तो क्या करे, है तो आपकी बहन ही। तो लक्ष्मी विचार करने लगी, मेरी बहन बताओ वहां इतना बड़ा काम कर रही, रो रही है, कौवा हरा रही है, फिर भी उन्हीं के लिए बताओ लड़का मांग रही, इतना महान काम कौन करेगा। इसलिए लक्ष्मी से रहा नहीं गया, तो लक्ष्मी जी चल दी। नारी का भेष बना करके लक्ष्मी मैया तब आती है, लक्ष्मी मैया तब आती है। जहाँ पर वो काग उड़ाए रही, जहाँ पर वो काग उड़ाए रही, तहाँ आकर बचन सुनाती है। जहां पर वो कौवा हला रही वहां लक्ष्मी पहुंच गई। कहने की बहनी ऐसा करो, तुम चलो खाना वाना बना लो, ला हम तेरे तुम्हारे कौवा हला दी। क्योंकि एक शेर जौ मिलता था, चाहे वो जौ कूटे पीसे, चाहे इसे फकना बनावे, और कुछ नहीं देते रहे, तब वो पुरन की उनके धन्यवाद देते रहा, कोई बात नहीं। रोज नैकी जब महलों में अटी तो राजा पर ऐसा शासन करने लगी कि जो देर में आओगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, वापिस लौट जाओगे रात में। राजा बिचारे कहीं जाए तो समय पर आवे, सोचे बड़ा खैयों से गए तो खैयों से ही है भाई। दो नारियन का किस्सा तो बहुत जगन पर है। एक राजा थे जिनके कई नारियां थी और दैवश किसी के संतान नहीं थी, तो एक नारी के भगवान की कृपा से गर्भ रहा, नारियां कयू रहे, तो सब सोचे लगी बहनी इक्के लड़का हो हमारे पंजन के रे, तो कुछ है नहीं, तो हमारी सब संसलत है क्या लौंडा ले ले। तो सब सलाह मिले नहीं, कर दे दो जहर या जय मरी, जो हमारे नहीं तो इक्के काहे हो, जलन घृणा। राजा साहब जिस नारी के गर्भ है उसको एक धौंसा दिया था, बजाने वाली चीज है वो, कि जब तुमको कोई आपत्ति होगी, कोई परेशानी होगी तो इसको बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन राजा शिकार के लिए गए, महारानी सोचिन धौंसा तो हमको दिए हैं लेकिन अब पता नहीं आवे कि ना आए, लाओ इसको हम ट्रायल करके देख ले। तो रानी ने धौसा बजा दिया, धौसा जब बजा, धौसे की आवाज राजा सुने, तुरंत जंगल से घर भाग कर आए, कहा बात क्या है देवी, क्या बात क्या बात। राजा सोचन कोनो आफत हुई, रानी कहने लगी महाराज मैं तो यूं ही बजा रही थी, देख रही थी कि आप आएंगे या नहीं। महाराज ने कहा इस तरह से इसका परीक्षण मत करना, मैं कहीं भी हूं तुरंत आऊंगा, ये समझ लियो एक प्रकार का फोन हुआ है। उधर गर्भ का समय पूरा हुआ, गर्भ का बिल्कुल समय नजदीक आ गया और सब महारानी मिलकर उस नारी के जहर दे दी।
जब विष शरीर में फैल गया वो चिल्लाने लगी, वो परेशान होने लगी, दादा तुरंत धौंसा बजाना शुरू किया। राजा जंगल में शिकार पर थे, सुनिन तो अरे कहीं इसे बजाओ था, टराई बहुत करा था ना, वो सोच टराई कर आए तो राजा, लेकिन जैसे आनंद फानन दौड़ के आवत थे उतना नहीं आए। आवत कोई गले मिल गया राम राम और क्या हाल, उतना बोले है जितना आवत थी उतना आए आराम। महारानी मरने वाली थी, अभी मरी नहीं थी, जो राजा आए देखा रे बात, सब नारियों से कहा क्या बात क्या बात, सब कहीं पता नहीं क्या होगा कुछ, हम का लगा खा ले सके सका, देखो उल्टा दोष लगा रहा। राजा साहब तुरंत उसको घोड़ा पे ला दे, हॉस्पिटल वॉस्पिटल तब थे नहीं, संत लोग जंगल में आश्रम पर रहते थे उन्हीं के पास जड़ी बूटियों की इलाज थी, वहां पहुंच ले गए। कहा महाराज देखो, राजा साहब लेकर गए, संतों ने देखा समझ गए जहर है, जड़ी बूटियां पिलाई, जहर उल्टी कराया, इधर जहर उल्टी हो रहा था, पूरे शरीर में जहर व्याप्त हो चुका था, और तब तक उसी जहर के साथ लड़का भी जन्म ले लिया। उसी लड़के का नाम है सगर, सामान्य सहित गर्माने विष, विष के सहित वो लड़का हुआ जो है सगर, बहुत महान बेटा हुआ सगर। राजा सगर के दो नारी केसी और सुमत, एक नारी के एक लड़का, एक नारी 60,000 लड़का हुए, वह 60,000 लड़का जो भस्म हो गया। राजा सगर तपस्या किए, गंगा नहीं ला पाए, राजा सगर का लड़का है असमंजस, असमंजस गंगा नहीं ला पाए, असमंजस का बेटा है अंशुमान, अंशुमान गंगा नहीं ला पाए, अंशुमान के बेटा है राजा दिलीप, दिलीप गंगा नहीं ला पाए, राजा दिलीप के बेटा है भागीरथ, भागीरथ महाराज गंगा लाए, तो 5 पीढ़ी हो गए, तो यह तो पुरखा तारे का हाथ नहीं, से गया का जो था यही बात केवट ने कहा था राम से, एक कहत जब लागई भारी, और तुम्हारे घर में 3 महतारी और दशरथ 3 नानी जो ना लौटे तो शायद तुम जंगल ना जाओते। जी के एक ने कतने उदाहरण है, एक राजा का और उदाहरण दे दे, 2 नारी है नैकी पुरन के नाम पर जा, राजा साहब ने की कह रहा है पर उनकी क्या ज्यादा ध्यान मान नहीं दे। एक दिन राजा ने सोचा भाई पहले से आई है, उसने भी हमारी सेवा किया है, 7 भावरे घूमे से, धर्म की नारी है, लाओ छा देख ले भाई उसके घर में क्या व्यवस्था है, सब्जी है कि नहीं है, गैस है कि नहीं, सबको तो भाई देखना है। जब राजा पुरनकी के घर जाने लगे, नई की पीछे पीछे चल दे, करजात बड़ा काबिल बना था, परधी न परत चाहे कोई, अब परधी परत परत गई। राजा साहब पुरनकी के घर में प्रवेश कर गए, नैकी द्वारे खड़ी कान लगाए, देखी का बतलाई है। पुरनकी ने देखा पति देव आए, तुरंत पाए लागिस, आरती उतारिस, बैठारिस, कहा लाग महाराज हम रेखियां तो कब हो नहीं आवत, बताओ कई दिन हो गए सिलेंडर नहीं है, बड़ी समस्या है, मानत नहीं हमका तन को। अरे राजा कहन पगली, तुमका नहीं माने तो और को है, तुम तो वजो नहीं नहीं कि वह मानत कहन का वा मारी जवैया है। अब नहीं की द्वारे सुनाई सुना कि पुरन के कहला मारी का वही नीक नीक रह काहे कहे मारी जवैया है, उके ब्लड कैंसर होएगा, खोपने में ब्रेन ट्यूमर होएगा, वह मरण जवैया बस हम है तुम और पुरन की इस बतलात रह नहीं किस रहा नहीं गवा। घुसर के भीतर झाम से पकड़ लिए उनके ग्वार, राजा के खर 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 इज्जत घर का लेके आए, अब चलो तुमका तुम्हार ट्यूमर निकाल दी, ट्यूमर निकाल दी। पुरन की सोचे दादा हमारे घर का आए राजा जबरदस्ती ले जाए, इन्हें क्या रही बोल करे, हुआ हाथ पकड़ के भीतर चला। पुरन क्यों कम रहा नहीं, नहीं क्यों कम रहा नहीं, सिल्लो सिल्लो पट्ठा और देहरी किया पहुंची रहा। जब पुरन की आई चाहे तो नहीं को देहरी में अड्डी गोले के लगाए दे, अड्डी लाग दे टट्टर उठ जरूर जे चाहे जत्ता हो, टाली में अड्डी लाग नहीं टट्टर उठा लगावे गोड़ तो वह खींच जाए, और जब वह आई चाहे तो वह गोड़ लगा। राजा पिसाने का सब बाढ़ है जाए,
और हाँ जवन की बाहर ऐचे पुरन की भीतर खैचे राजा सट से मरी गे जैसे मरी गे अब नहीं की घात ले जाते अपने भीतर ले जाते का बारन ते अपने की घात ले जाते हो तो उठावे रे मैं तो छुई हो अब को छुई है कोई साथी इसीलिए कहा भैया गोरिया तुम्हारा संघाती नहीं कोई ये दुनिया अपने मतलब भैया तुम्हारा संघाती नहीं कोई जगतिया अपने मतलब काम के लोभे मात पिता है शाम के लोभी जो काम के लोभे मात पिता है शाम के लोभी जो हो शाम के लोभी जो भाई बंद सब पैसा के लोभे हो भाई बंद सब पैसा के लोभे चलती गठरिया ल्या तोई जगतिया अपने मतलब की कोई अपना नहीं हीरा लाल जवाहर मोती गई गफलत मा खोई हीरा लाल जवाहर मोती अरे मन मूरख बहु न चेत्यो रे मन मूरख बहु न चेत्यो साहेब घर कौनी गति होई जगतिया अपने मतलब की भैया तुम्हारा संघाती नहीं कोई या दुनिया अपने मतलब की चेत्यो साहेब घर कौन गति होए जगतिया अपने मतलब सब कुछ हम परिवार के लिए अपना खोए रहे ना और परिवार वाले अंतम कोई साथ नहीं आवत केवल भगवान का भजन ही साथ जाता है गुरु की सेवा ही साथ जाती सत्कर्म जो आज यहाँ बैठे कर रहे हो यही साथ जाता है तो सब कुछ कमाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा ये सत्कर्म भी कर लेना चाहिए जो कम से कम साथ जाने वाला धर्म धन तो है बाकी तो सब यही रह जाएगा तिजोरी बंद की बंद पड़ी रही संसार का बादशाह एक था जिसका नाम सिकंदर
मरने लगा तो कहा मेरा हाथ कफन से बाहर कर देना ताकि दुनिया वाले देख लें कि दुनिया का बादशाह था सिकंदर और वह खाली हाथ चला गया। जर सिकंदर का पला सब रह गया, मरते दम लुकमान से यूं कह गया, मरत मरत कह गवा कुछ नहीं साथ जाएगा, कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाए। एक से एक बड़े बड़े हकीम वैद हैं, वो सब दावा करते हैं ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे। अरे जब उनकी मौत आ जाए तो खुद अपने आप का नहीं बचा पाओ, अपने घर में लड़का बहरवन का नहीं बचा पाओ, हमका तुमका का बचाए। सोचिए तो ये सब कहने की। आज राजा उत्तानपाद नैकी जैसा कहती वैसा करते हैं। पुरन की बिचारी खेत में मड़ैया में रह रही, कौआ हड़ा रही, लक्ष्मी भी उनकी मदद करने आती है और जब मौका पावत है पुरन की तो बैठ भगवान से कहा भगवान जो नहीं की आई है उनका एक लड़का दे दे, मतलब अपनी खाते नहीं मांगा था। इतना बड़ा परहित। और एक दिन राजा साहब, एक दिवस राजा गए खेलन हेतु शिकार, घर आए तो देर भई होई गे बंद किमार। एक दिन राजा का लौटन देर हो गया किमारा बंद। राजा साहब आवाज लगाए ना खोलिस किमारा तो ना खोलिस, दरवाजा नहीं खोलूंगी द्वारे सूते रहियो, दरवाजा नहीं खोलूंगी द्वारे सूते रहियो। द्वारे सूते रहियो, द्वारे सूते रहियो। दरवाजा नहीं खोलूंगी द्वारे सूते रहियो, दरवाजा नहीं खोलूंगी। विचार कि अब क्या करें, कहां जाए, दरवाजा नहीं खोलिस। राजा साहब को पुरन की याद आ गई, विचार करने लगे लाओ अब कहां जाए, पुरन की यहां भाई चले जाए। राजा साहब जब पुरन की यहां गए, खेत में बिचारी मड़ैया में रहती है, कुछ ओढ़नो बिछौना शुद्ध क्या है नहीं, लेकिन ये देखती हमारे पति जी आए, तुरंत दौड़कर प्रणाम किया, पाए लागिस। राजा विचार कर रहे हैं देखो इसके अंदर कितनी बड़ी महानता है। कहे लाग महाराज हमारे घरे तक कबहू आओत ना, हमारे घरे कछु है यो ना, लेकिन घास फूस की सेज बनाई बिछौना। पति आया देख कर कई सोलह सिंगार, पत्नी को पति के सन्मुख सिंगार करना चाहिए। सिंगार है पति का, जब सजना है तो सजना है। टिकली पति की नाम की बिंदिया, तेरे नाम की कहा नहीं, मैं तो बिंदिया लगाया ही रे, तेरे नाम की सिंदूर पति के नाम का, चूड़िया पति के नाम की, बिछिया पति के नाम की, महाउर माने सब कुछ पति का गह जो है श्रृंगार है। इसलिए पति के सन्मुख श्रृंगार होना चाहिए, करती भी है माता। लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी हैं
बात कड़वी है लेकिन सत्य है कि पति के सन्मुख चाहे श्रृंगार करक बेरिया पाउडर खत्म हो जाए मला नवचंदी जाग बेरिया हो तो किलवर झोंके भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। महारानी अपने पति को देखकर कई सोलह श्रृंगार पति के साथ में करने लगी बिहार, रात भर पति जी के साथ रही। अब भगवान की ऐसी कृपा जागी कि अभी तक कोई संतान इनके नहीं थी, इसीलिए पुरनकी बिचारी जबरदस्ती दूसरा ब्याह करवाई थी। आज ऐसी भगवान की कृपा हो गई कि एक रात राजा रहे, उसी दिन से भगवान की कृपा जग गई उसके गर्भ। नैकी महारानी को महलों में गर्भ है तो पुरनकी महारानी को खेत में मड़ैया में रहती है गर्भ। अंतर क्या है? नैकी तो सब कुछ मंगा रही भाई, गर्री मुनक्का छुआरा सेब संतरा अंगूर, लेकिन पुरन की बिचारी एक सिर जो पावत मन हो खाए नहीं भूखे नहीं। भगवान का गुणगान करती है और वही खुशी से अपना वही रह रही। ये बात जरूर है भैया, खुश में रही हो बहनी तो खून बाढ़ी, परेशानी में रही हो तो ना खून बाढ़ी, तो हर समय खुश रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा समझो, जो होगा वो भगवान की कृपा है, जो हो गया वो भी भगवान की कृपा है, क्यों टेंशन लेते हो? संसार में आए हैं सुख दुख तो लगता ही रहेगा, जिसको कभी दुख नहीं हुआ होगा वो दुख का क्या लीला जाने। जिसके पास पनसौआ दो हजार हुआ सौ के नीचे पैसा नहीं है उसे एक रुपये का महत्व कहाँ जाने। एक रुपये का महत्व तो वो आदमी से पूछो जो गली में रिक्शा वाला कहा था एक रुपया का नहीं रहा तो क्यों बैठ, तुमने बाप का रिक्शा है वो तमाचा हुआ दे थे एक रुपये खातिर, उससे पूछो एक रुपया क्या। एक रुपया कीमत उनसे पूछो जो सुबह चार बजे शक्कर सौ ग्राम लाना है, पापा पैसा कौन बेटा दो रुपया है, देखो तुमने मम्मी के पास एक रुपया ले लो, मम्मी कहा बेटा हाँ एक रुपया है, तो कहना एक रुपया और होता है अगर तो सौ ग्राम शक्कर हो जाए। तो ढूंढे ढाए तो बिटिया कहा था पापा एक रुपया हमारे पास रखा है बहुत दिन का, कहा लाओ बिटिया फिर बताओ, चार चार आदमी चंदा लगे तब सौ ग्राम शक्कर लगी, उससे पूछो वो जानता है कि एक रुपये कीमत क्या है। बाकी को कहा जाने दादा, नौ रुपये का बहुत सौदा ले कहने एक रुपया बच गया, दुकान वाले कहा था अरे रखो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में भोजन खाना खाने जाते हैं बड़े लोग, तो खाना कहन कितने का बना, कहन साहब 1670 रुपये, 2000 रुपया दे देने का 2000 तो 330 बचे हैं साहब, कहन ये तुम ले लो ये तुम्हारी काका वाले, अरे पता नहीं कुछ देन जा सकते, टिप्स समझ लो गिफ्ट समझ लो कुछ समझ लो। 300 रुपया उसने गिफ्ट कर दिया और जौन आदमी सत्य बताए तो 300 हुआ गिफ्ट दे आवत है, वह आदमी आवत है देखा उसकी बात जो गले में बेचारा पत्ता प्याज रखे बेच रहा है, उसने कहा था अरे कितने का फाकन साहब 35 क्या 30 ले चलो रखो, वह आदमी जो 300 वहाँ फर्जी लुटा आवत वो यहाँ महागरीब के 5 रुपया नहीं दे सके। हम देखे ना दादा, उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, हम जिससे सब्जी ले रहे हैं वो जितना बता रहा है उससे कम नदी चाहे रुपया फदले चला जाए कोई बात नहीं, क्योंकि दिन भर वो सब्जी बेच रहा है, उसके बच्चे उसकी बीवी घर में इंतजार कर रहे हैं, बेटा रुके रहो पापा आओ थे तो अब्बे में फली लेके आई, ऐसा होता है। लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं करता, अब ध्यान क्या करे भाई, कर्मों के तो खेल ही है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखो कि दो चार रुपया 10 रुपया 5 रुपया ये गरीब आदमी के बिल्कुल ना तुरंत दे दो, और इन्हें कर हम दो चार रुपया मान लेते इसलिए कि कुछ कहूं नहीं पावत ज्यादा। दुकान पर गए हो जिसकी दुकान करोड़ों की है, कपड़ा की है काहे की है, वो तो वो स्ट्राइक 1000 तो पहले लगाए रहा था कि हमसे छुड़ा ले है,
5,000 के 10,000 50,000 के कपड़ा बने, वो 50,000 में पक्की बात है कि 50,000 रुपए में वो 15,000 की नफा है, तो तुम उनके 5,000 ना दे उनके सरकार हम धक्का ना लगे। लेकिन जो सोच लो कि जिससे तुम 1 किलो आलू ले रहे हो, वो 1 किलो आलू बेचारा कत्ते कमाए ले मंडी गा है सवेरे जाड़ तो हरी हनी मैन गवा लावा है, फिर दिन भर चिल्ला चिल्ला, फिर 1 रुपया 1 किलो को 2-4 रुपया बेचारा बचाओ थे। अब की बात जब 1 बोरी अलावा था तो 1-2 किलो कम पड़ जाते, क्योंकि तुम का दे जिंदे 1-1 किलो तोली भैया। इसलिए कह रहे हैं, बात बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को बिल्कुल ना मारो, रुपया 1 बने थो तो वहां कह दो भैया 11 बनत है तो 11 लो, 10 नहीं 11 लो। आज वो गरीबन बेचारी क्या करे, घर में सूखा रूखा खाती है, नहीं की बढ़िया गरीब मन कछुआरा मंगाती है। लेकिन वह कहावत सही, लड़का दोनों के एक एक भाव। मुलाजोन अम्मा और तुम पर कहा तो नहीं होगी चौकर खाए भाकर हो मैदा खाए टिहरी, तो यह है हाल भवा। सेब संतरा गर्री मुनक्का नहीं को खाई, लौंडा भवा 2 किलो 300 ग्राम अवा नित्ता खाली जौ पव है खाई से पाई उके लौंडा 4-4.5 किलो। भगवान की कृपा है, हम आप बच्चों को किस तरह से कतना सिस्टम से रखत, और जो सिर की पाल ताने रहा थे गावन भैया बेचारे मंगता मंगता लड़का छठी आकर जी गने मनाती गांव रहे हैं लड़का। बहुत दूसरे दिन की बात अंगौछों का बांध लाऊं देख अंगौछों बांध पीछे डाले छुआरा झंटरा और खटिया भाई सब ला दिलहिन चलो अब छठी मनाई जे वहाँ चंदियाई ना उनके को कुछ हो ना कुछ है। बहुत ही हम देखे तो माता है बहने बेचारी जो घरों में काम करने आती खोपड़ी मसाला धरे पीछे पीछे लौंडे बांधे ना उनका कुछ हो तो ना कुछ, क्यों? क्योंकि जौन पक्का मजबूत आवा है हुमर उनका कुछ ना हो। अब किसी पेड़ में देख लेना आम का, जब पेड़ है आम को है कोई क्या अतना बौर आवत है उसकी बाद अतनी अमिया लागी होती है मां। कब? जब एकदम इतनी इतनी बात आए बता रहे अतनी अमिया लागी होती पौटा लेके देखो मारे अमिया था नहीं अत्य अत्य। और उसकी बाद जब वो तनिक अत्य अत्य हो लगती तो बहुत ही हम सुखाई गई, बहुत ही हवा चलेम गिर गई, बहुत ही आंधी आयम गिर गई, और एक से एक आंधी आ गई मुला बहुत ही नहीं गिरी हुई पाकिन के गिरी है। तो जौन पक्का मजबूत वावा है वो चाहे लड़ जाए तो दूर गिर जी, वो गिरी वो कब गिरी वो पाकिन के गिरी 80 साल का रहे तो 80 साल में गिरी। और जौन है कन्हैया के भाई बताओ कन्हैया जी इतने दिन रहे उनके छा भाई जैसे पैदा है तैसे मार डरेगी, क्योंकि वो उतन देर से लिखा पढ़ी सब काम हो थे। तो जो कोई जितनी देर में आवा है उसका पक्का है उतने दिन यहाँ रहना है। और सबकी निश्चित है काहे किसी की मच्छर से, किसी की कोरोना से, किसी की डोंगू से, किसी की हार्ट अटैक से, किसी की सांप से, किसी की बुखार से, जी की जाहिर लिखी है काहे सोई तेंदुआ पेंदुआ काहे छूट जाते है ना, इसीलिए छूट जाते नहीं कहीं ऐसे कैसे छूट जाए अतः उनके ऊपर निगरानी रहा तो कैसे छूट जाए। लेकिन जैसे पता चला कि अब 5 आदमी के मौत तेंदुआ से लिखी है तो ये छूटी है ना तो वही मरी है कितना, ये सब यानी सिस्टम सब यहाँ है भैया। और कोई ने कहे भैया वो है क्या कुतवा पाला है और बहुत मान रहा भैया पता नहीं कैसे कहा वो है क्या कार, अरे जब वो है सुखी लिखी रहा है तो कैसे क्या होगा भाई, जिसकी जहाँ पहुँच वो पहुँच जाई। हमारे उधर हड़िया कोल नाम सुने हो, हड़िया कोल बहुत पहले से बढ़िया स्थान है, बहुत दवा वा सब इलाज फ्री होता रामलीला होता रहा सब होता रहा। तो हमारे जो शंकर जी की पार्टी लगा हो रहा है वो सांप रखे रहा है बढ़िया जो है कोबरा तो गले में डाले रहत रहा है वो ओरिजिनल सांप। और एक दिन पता नहीं कैसे कहा जैसे डाले रहा हो कोनो संत ऋषि आए उनके निहुर के पाए लागे लागो सपोना ही अब दबिगा
कसके दबिगा हो या देव वो काट के सट सोना है और गिरे थोड़ा सा मर गया। वह एक रोज दूध पियावत रहा भाई सब रहा, लेकिन दादा दूध पियावत है जब जब उकी लिखी है तुम्हारे तुम्हारे उके हाथ से लिखी है। रावण को सब सर झुकाए सब देवता और काल खड़ा रहा नहीं झुके, जब नहीं झुके तो रावण तड़ाक से दूर हटा मारे बदतमीज सर नहीं झुकाया और घसीट ले गवा और ले जा पाटी में बांध जा। काल का काल हसे और वो कोणन मारे रावण तो मंदोदरी कहे स्वामी तुम अत्ते बड़े ज्ञानी हो, हर आदमी मौत से भागत है तुम मौत ला खोपड़ी बांधे। रावण कहला तो इके हिम्मत हो तो हमका मारे। काल कहला भैया मारब हम है सर झुकैब न तुमरे आगे और तुमका मारब हम है। तो रावण कहे मारो, कहला भाई न मारब जौने दिन तुम्हारा समय आ जाए वह दिन हम मार ले चले जा। तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है कब तक जब तक समय न हो, और जौने दिन समय आ जाए वह काल तुमका मारे ले चला जा। मरे तो सब दिन है चल रहे हैं जब तक मालिक की इच्छा है और जिस दिन हमारा हवा पूर्व है दिन हवा निकल गया काम खत्म। ये होता है तो आज भगवान की कृपा से इनके भी बेटा हुआ उनके भी बेटा हुआ। नैकी के बेटे का नाम उत्तम कुमार, पुरनकी के बेटे का नाम ध्रुव कुमार। बलज्ञ पुरुष भगवान की एक भजन सुनाओ। अजीत तनी गुनगुन पानी ले आओ। हेलो बोली से वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बाहर डारो अंगना उठो अल बेले, बाहर डारो अंगना उठो अल बेले।
घंटा सब जन सुनाए रहो अंगना, उठो अलबेली बाहर करो अंगना। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमान मेहराम भेज के द्वारा 101 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में शुभ कमाई समर्पित पुरुष कल्याण के जीवन मंगल में। दोनों के एक एक बेटा हुआ, नामकरण हुआ तो नैकी के बेटे का नाम है उत्तम कुमार और प्रणकी के बेटे का नाम है ध्रुव कुमार। राजा साहब बड़े प्रसन्न है भाई, आनंदित राजा हुए फूले नहीं समाए, घर मा दुई दुई लाल भय सुनवा रहे लुटा, बधवलाई नन दीवार सावरिया, बधवलाई नन दीवार सावरिया। बारे सावरिया की, बारे सावरिया, बारे सावरिया की, बारे सावरिया, बधाओ लाई नन दी लला के बधैया, बधाओ लाई नन दी बारे सावरिया। कहे पे आओ सोच, कहे पे आओ जीरा, कहे पे आओ आई नन दी बारे सावरिया, कहे पे आई नन दी बारे पे आई नदी बारे सावरिया।
बताओ जीरा कहाँ से आई छोटी। कहाँ से आई नंदी बारे सावरिया, कहाँ से आई नंदी। आई सोठी बम्बई से आओ जीरा, दिल्ली से आई सोठी। दिल्ली से आई सोठी बम्बई से आओ जीरा, और प्यारेपुर से नदी बारे सावरिया बताओ आई नदी। कहाँ पे रखो सोठी, कहाँ पे रखो जीरा, कहाँ पे रखो सोठी। कहाँ पे बैठे नदी बारे सावरिया, कहाँ पे बैठे नदी। सोठी किचन में रखो जीरा, आंगन में रखो सोठी। चौकी पर बैठे ना नदी बारे सावरिया बताओ। भगवान की बड़ी खुशी मनाई गई अयोध्या में। धीरे धीरे दोनों बेटा बढ़ने लगे और वो दोनों लाल 5 बरस के हो गए। जब दोनों 5 बरस के हो गए, एक दिन की बात, वो बेचारा फुरनकी वाला बेटा तो बस एक शेर जो पावत है वह मम्मा खाए पनौ खाए। नैकी वाले के लिए न जाने कितने प्रकार के तो खिलौना है। परनकी वाले का बेटा उसे बस घास माटी में खेलत है। एक दिन धीरे धीरे खेलते खेलते ध्रुव महाराज राजा के दरबार में आ गया। द्वारे राजा साहब बैठे थे, बड़ा बेटा आया उसको गोद ले लिया। जब गोद ले लिया तब तक कहूं नैकी अंटा पर से देख ही गए। सोचे से हमारे जो है डैन के लौंडे कनियाले हैं, और तब तक नैकी क्या लड़का दिया राजा उका तो हाथ पकड़े घुमावत रहा, बस उसे रहा नहीं गो। नैकी दौड़ के आई, कहा लाग बताओ हमारे वाले कनिया नहीं ले सकत रहा, डैन वाले कनियाले तो गोद से छीन कर पटक करके मार दिया। ध्यान नहीं करे गिरा दी। अब रोवे लाग लड़कों ना बेचारे, 2-3 खींच के झापड़ मार दिया। भद्दी भद्दी बातें कही लेकिन राजा कुछ नहीं बोले। ध्रुव महाराज के यह बात दिल में लाग रहा, खाली मौसी मारिस यह बात नहीं लाग रहा। मौसी मारिस और पिताजी कुछ बोले नहीं। भाई कोई लड़का बिन गलतिन मारा जाए और पिताजी देखते हो और कुछ ना कहें तो ये सोचने वाली बात। यह बात दिल में लाग रहा और नहीं कि कहने क्या लगी कि तू पूत अभागन का होकर राजा की गोद चाहता है।
राजा की गोद चाहता है, अझोपड़ी का रहने वाला है, झोपड़ी का रहने वाला है, महलों की ख्वाब देखता है। अभागन का होकर राजा की गोद चाहता है, झोपड़ी कर रहने वाला है, महलों की ख्वाब देखता है। ये बात दुरु महाराज कुछ नहीं बोले, रोते रोते चले गए। रोवत लाल मात पही आयो, माता के पास आए। माता ने कहा क्यों रो रहे? दुरु ने कहा माता, कहा लाल मोही मौसी ने मारा, कहा लाल मोही मौसी ने मारा, तोरी कसम मैं पूछो ना बिगाड़ा। उसी ने मारा और तोरी कसम में कुछ न बिगाड़ा। कहला अम्मा हम तुम्हारी कसम कुछ बिगाड़े नहीं रहे, हमका मौसी मारिस। कहा बेटा रोना बंद कर दो। कहा मौसी ने मारा है, ये मुझे नहीं दुख है, मुझे दुख है हमारे पिताजी बोले काहे नहीं। कहा हम पिताजी की गोद के लायक नहीं है। अब हमका ये बताओ माँ, संसार में सबसे बड़ी गोद किसकी है? माता ने कहा बेटा संसार में सबसे बड़ी गोद भगवान की है, भगवान से बड़ी गोद किसी की नहीं है। लड़का कहा लाग अम्मा हम फिर भगवान है कनिया ख्या। माता कहन बेटा भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे बाली उमरिया तुम्हार भजन तुमसे ना हुई है, बाली उमरिया तुम्हार भजन तुमसे ना हुई है। भजन तुमसे ना हुई है, बाली उमरिया तुम्हार भजन तुमसे ना हुई है। तुम रही ना पई हो, माता कहने लगी बेटा जंगल मा तुम रही ना पई हो, गर्मी बरखा सही ना पई हो, मानो बचन हमार भजन तुमसे ना हुई है।
तुम्हें विश्वास में भगवान मिलेंगे। तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इतनी छोटी अवस्था में भजन कैसे होगा? हाँ हो जाएगा। एक कदम जो तुम बढ़ो हरि बढ़े हैं 60 भाव होना चाहिए। ध्रुव महाराज चल दिए। मंत्री जाकर के राजा से कहा तुम्हारा बेटा जंगल जा रहा है। राजा ने कहा मेरे बेटा को जैसे भी हो सके वापस कर लो और बेटा को अब दुगना दिया जाएगा बता दो। मंत्री गए ध्रुव से कहा बेटा लौट चलो तुमका दुगना मिली। राजा ने कहा ध्रुव महाराज सोचे लागे अब तो बिल्कुल ही न लौटब। अब ही मौसी मारिश तो बप्पा कुछ बोले नहीं लेकिन अब भगवान की कृपा हो गया तो दुगना दिए लाग। ये भगवान की तो कृपा है इसीलिए लिखा है जिन प्रभु की न शेर से दूना जिन प्रभु की न शेर से दूना उनके भवन और का सुना जिन प्रभु कीन शेर से दूना उनके भवन और का सोना। जोन भगवान हमका दुगना दिए लाग अब उनका भजन करब तो न जानी कितना मिली। मंत्री लौट के राजा से बताए। राजा ने कहा जाओ एक गांव दे दियो कि एक गांव प्रधान बना दीजिए तुमका। ध्रुव महाराज से मंत्री ने कहा लौट चलो अब तो लौटन चलो एक गांव तुम मलकाना मिल जाये। ध्रुव कहला हम न लौट। राजा के पास मंत्री आया कहा बेटा वापिस नहीं। राजा ने कहा 5 गांव दे दो। ध्रुव कहन हम ना लौटब। राजा ने कहा आधी राज दे दो। ध्रुव ने कहा हमें राजपाट से क्या मतलब है हमें तो भगवान का भजन करना। पिताजी दौड़ करके आए हैं ध्रुव के पास कहा लग बच्चा तुम जंगल का ना जाओ कोई बात 5 साल का लड़का जी का जंगल जा दो उसके करेजे से पूछो क्या होगा। कहला बच्चा जंगल तो हमका जाग चाहिए लेकिन तुम ना जाओ। ध्रुव कहे नहीं महाराज तुम अपना राजपाठ देखो हमका भगवान के भजन ही ठीक। वापिस नहीं हुए कहा तुम राजा बन जाओ लौटे नहीं क्योंकि जिसका मन लग गया है प्रभु में अरे बना नहीं हरू भावई रे जिया पिया पिया हो जिया पिया पिया हो अब ना नहीं हरे भावई रे संसार नहीं ये नैहर हमारा आपका दुनिया पूरी जितनी है ये सब हमारा नैहर है और पति हमारा हुआ जहां हमारा ससुराल है यहां तो नकली रिश्ता संसार चलने की विधान है। कुछ दिन यहां हम आए हम जाएंगे बेटे रहेंगे बेटे जाएंगे उनके बेटे रहेंगे। असली पिया हमारा परमात्मा है और जिसकी लगन भगवान से लग जाएगी तो दुनिया का नीक न लगी इसलिए कहा अरे अब ना नहीं हरू भावई रे जिया पिया पिया हो अब ना नहीं हरे भावई रे सब सखियन के पियावा रे पिया सब ही के हो ये सब जो परमात्मा है सबके है लेकिन जो भाव प्रेम से भजेगा उसको ये मिलेंगे।
अरे सब सखियन के पियावा रे पिया सब ही के हो। अरे प्रेम से जो कोई भजे, अरे प्रेम से जो कोई भजे, पियाव नहीं के हो, पियाव नहीं के हो, अब ना नहीं हवे भावई रे। चले गए तो नारद बाबा रास्ते में मिले, क्योंकि जब तक आपको संत नहीं मिलेंगे तब तक आपको प्रभु नहीं मिलेगा। ये बात जरूर सब लोग ध्यान रखना, जब संत मिलेंगे तब ही भगवान मिलेंगे, और जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान भगवान कौन मिलाएगा भाई। बिना गुरु ज्ञान किसी को नहीं, बिना गुरु संसार में परमात्मा नहीं मिल सकता। बिन गुरु भवन तरह न कोई विष्णु विरंच सम्भ। तो नारद बाबा दुरु महाराज को ज्ञान बताए, मंत्र बताया, तब दुरु महाराज उस मंत्र को लेकर के जमुना के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। भजन का प्रभाव होता है, पियन रमोहिया भजन करो हरि का, पियन रमोहिया भजन करो हरि का, भजन करो हरि का,